اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ستون كن كلاس 60 ديني احكام غطا درين دو پہلا پارٹ پوت کی 60 کلاس دا درين غطا درين سبق نمبر تیران وان غطا شروع بچه اس سبق نمبر تیران وان مسافر بارين دو گیا مسافر کی نماز غطا سفر لچان نارگنا پیاق پو گزوگل بچه اسين मौसम इंसान को चाहे कि सफ़र में चार रक़त नमाज को दो रकात पढ़े इंसान लेन लो सफ़र है चार रकात प दो रकत बचाए शर्त ए, शर्त है कि इस सफ़र में आठ फरसक़ यानी जिस सफ़र पर मंगाता हूँ आठ फरश दुख पर नज़र बना पैंतालीस किलोमीटर से कम ना हो आना जाने हूँ पैंतालीस किलोमीटर जो न फो कसर बरोशा से बाज़ मसाइल पहला मुसाफिर उस वक्त नमाज को कसर पड़ेगा मुसाफिर दे वक़ात पर कासिर बचाज चक्स वन जब उसकी शहर या देहात से इतना दूर हो जाए राय रॉयल पुनः राय शहर पुनः दे सबूर चो कि देवार की न देवार दिखाई दे और न ही वहाँ की आजान सुने न निकपान मिथों मरोशीन न आजान मिसरबाओं पर मिसरोशन अगर इससे पहला नमाज पढ़ना चाहता हूँ अगर उधु बस पहला फेक बात बना तो जरूरी है कि पूरा नमाज पढ़े फेको पुरस्कार से तीसरा मसला मुसाफिर उस जगह से जहां इसकी नमाज पूरी है मुसाफिर लद्दे जगहों की फेको पुरस्कार जैसे वतन राम यूप वहाँ से चार फरसक यानी साढ़े बाईस किलोमीटर जाए बाईस साढ़े बाईस किलोमीटर खुरी यूली के न छोक चार फरशा छि और चार फारसा वापस आए देखे चार फारश आग साढ़े बाईस किलोमीटर लोग से उनक तो उसको सफ़र में नमाज़ का सिर हो जाएगा जाएगी खुरी अको कसर सोचे तीसरा तीसरातंग जरियत वो मुसाफिर जो अपने वतन से वापस आते हैं रॉय पे लोग से होता जिस वक़्त वो अपने वतन की दीवार को देखे रॉ यूलीपांुंगे या आजान की आवाज़ सुने या रॉ यूली बांग पर सुने तो इसकी नमाज पूरी हो जाएंगी और के कलबान खोज फुछ ही बात शाजी का शाजें यानी कसर नहीं रहेंगी खाक चौदह चौथा अगर किसी अगर उस जगह जाए तो मदसाची का छोक जिसके दो रास्ते हों रास्ता ये जो एक रास्ते आठ फरसा से कम हो एक रास्ता अच्छा लगाता आठ फरसा यानी बा पैंतालीस किलोमीटर के कम ही गलब चौक तो कसर हो जाएगा उदो का तो गाता अछा ना रिंगना फुछन अच्छा फ़रसा आठ फरसा से कम हो और दूसरे रास्ते आठ फरसा ये रास्ता चिक बहुत आठ फरसा यानी चुस् ताल पैंतालीस किलोमीटर छौाथ उससे ज़्यादा हो जाए याद थलचौथ अगर ऐसे रास्ते से जाएगा पुर जो आठ फरसक़ है आठ फरसक़ होता तो नमाज का सिर हो जाएगा आठ फरसा पुछाना कसर सोच लो छा और अगर उस रास्ते से जाए दो पेशों की आठ फरसक से कम हो यानी शाठ लचो, तो नमाज पूरी कसिर नमाज पूरी है रहेंगे फ्यापोस् कंग से बार कसर नहीं होगी कसर छचस में अच्छा नताजे जिन मकाम पर पूरी नमाज है दिन मकाम को नहीं कहते फ्याको उस कंग से बार को लो पहला वतन रॉयन दूसरा उस जगह दगह जहां इंसान दस दिन रहने का इरादा रखता होगा दस दिन दखो दुप इरादा होता नियत देता हूँ आंधले बनाते कांस बचा तीसरा उस जगह लोधे जगह जहाँ तीस दिन तरद में है तीस दिन है यानी मालूम नहीं है ख्वापता कि रहेगा या चले जाएगा दुगचिन या शचिन चौधे तो बिन और तीस दिन के तीस दिन तक इसी हालात में तीस दिन से अपने खोलूस असकेत ना दिदा बिन और कहे जाए कि भी न हो तो इस सूरत में तीस दिन के बाद नमाज पूरे हो गए और हालत हाजी तो आज क्या दिन फ्यापुछे बारो शाहिन से बारगो शाहिन वतन गाला वतन उस शहर या दिहात को कहते हैं याद पो या शहर पोजरबाद कि जिस जगह इंसान जिस जगह को इंसान अपने जिंदगी गुजरने के लिए इख्तियार करे रा जिंदगी बुमी नाज अख्तियार बसे चाहे उस जगह जगह पैदा हुआ हो या रस कैसे या माँ बाप का वतन हो या तमी यूलिन या खुद वहाँ अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए रहता हो रहा इख्तियारंदे रंग दुख पैद पी जिंदगी बसर पैद पी छाना दिशु इनशा इसके नबाल नमाज आयात के नात शरूबैत और सल् महमदिन वाले तबीन तोहरीन